प्रेसिडेंट कप के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हम लोग का रहा, बहुत अच्छा से टूर्नामेंट हम लोग का हुआ, हम लोग बिहार के लिए भी मेडल ले। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए सेकेंड AIKF नेशनल कराटे कप 2022 में हिस्सा लेकर लौटे खिलाड़ियों का पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे खेल में कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के बच्चों ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें अनिकेत राज के द्वारा एक रजत पदक तो वहीं सूरज कुमार शर्मा, विशाल, आकाश कुमार, शिवा कुमार, दिवेश कुमार, सिद्धांत कुमार, श्रेयांश भारती एवं महिला खिलाड़ियों में अंबिका राणा और अंशु ने कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के जनरल सेक्रेटरी भोला थापा ने कहा कि बच्चों का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा, जिसमें बिहार को एक रजत पदक के साथ 9 कांस्य पदक मिला। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने AIKF में अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया है, पूरे देश के कई दिग्गज खिलाड़ियों को परास्त करते हुए यह जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग सभी राज्यों में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ियों ने इस खेल में हिस्सा लिया था और वैसे खिलाड़ियों को परास्त करते हुए बिहार के बच्चों ने अपना जलवा बिखेरा है। आने वाले दिनों में ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन की तैयारी में बच्चे जुड़ चुके हैं और अगले खेल में हमारे बच्चों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इधर खेल से लौटे खिलाड़ियों ने कहा कि इस बार कड़ी मेहनत की थी पर सफलता हासिल नहीं हुई, अगली बार और भी मेहनत करेंगे और गोल्ड मेडल बिहार के लिए लेकर आएंगे। अगली बार वो मेहनत बढ़ाई जाएगी और हमें स्वर्ण पदक के लिए तैयारी करेंगे। अगली बार के एक ही टूर्नामेंट स्वर्ण पदक के साथ आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, आगे की क्या उम्मीद है? आगे की उम्मीद है राजस्थान में होने वाली गवर्नमेंट टूर्नामेंट होगी और हम लोग कड़ी मेहनत करने वाले हैं और गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। मैं शिक्षा मेरे स्कूल से हूँ, गुड़गांव में डायरेक्टर का नाम गौतम। अच्छा प्रदर्शन रहा, आगे क्या उम्मीद है? आगे राजस्थान में वहाँ पर बहुत से स्टेट से खिलाड़ी आए तो हमने अपना बहुत बेहतर क्या कहाँ गए थे क्या आप? हम लोग दिल्ली गए थे AIKF के लिए नेशनल टूर्नामेंट था, प्रेसिडेंट कप के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हम लोग का रहा, बहुत अच्छा से टूर्नामेंट हम लोग का हुआ, हम लोग बिहार के लिए भी मेडल लेके आए हैं, अपने इंडिया के लिए हम लोग मेडल सारे बच्चे ने पाए। कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? टोटल 10 बच्चे थे, 10 खिलाड़ी थे। कितने मेडल आए? मेडल टोटल 10 आए हैं, 1 सिल्वर, बाकी 9 ब्रॉन्ज आए। आगे क्या प्लान है? आगे क्या? आगे शायद हम लोग दिल्ली में जाएंगे, AIKF का ही टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट का वहाँ पे जाएंगे। ठीक है पापा, किस तरह से लगातार आप लोग जा रहे हैं बाहर से मेडल जीत के ला रहे हैं, इस पर क्या? इस बार हम लोग जो भी जा रहे हैं और हम अपना टीम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं और एक एक बॉट में 25-25 मिल रहे गर्ल्स में बॉयज में, तब भी हम सब इतना लड़की लोग ने मेहनत कर, कभी हम जो 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रात को हमें स्टेडियम में रहना पड़ता है मतलब मैच के लिए, इंतजार करता मैच होगा तो हम
कभी खाली पेट रहना पड़ता है, कब आ जाएगा मैच। इस बार का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा इस बार, और इस बार अच्छा रहा, और हम सभी और अच्छा टॉप करेंगे। हर बार बिहार में बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए, बिहार राज्य के लिए हम जब मेडल ला रहे हैं तो बिहार सरकार भी सोचना चाहिए इस सबको, हम तो कुछ आगे बिहार सपोर्ट करें। और जो खिलाड़ी थे उसके मुकाबले आप लोग कहा तो सर हार तो रहा है, लेकिन टीम का जीतने का मतलब अगली बार उम्मीद करते हैं थोड़ी बार, अगली बार मतलब कोशिश पूरी रहेगी कि गोल ला सके हम लोग। बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे फाइट के लिए बहुत सारा फाइट करना पड़ा, गोल्ड में गोल्ड आ जाए अगली बार, बहुत अच्छा सा लगता है पाया, लेकिन अभी बार पता कोशिश है गोल्ड साझा अच्छा का खेल रहा हूँ।